हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जो कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, तो मेन जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूं, एक तो डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत रहेगी। तो अपनी डेफिनेशन क्लियर करो, जो डेफिनेशन दे रखी है उसको कम से कम 2-4 बार पढ़ो। उसके अंदर देखो कि कैसे क्या लेके चलना होता है, क्या हमारा टारगेट रहता है कि क्या प्रूव करें कि जिससे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो डेफिनेशन प्रूव हो जाए जो उसने पूछा है। ठीक है, तो जैसे आपके पास अब थ्योरम आएंगे, हो सकता है इस थ्योरम का यूज़ आगे वाले रिजल्ट में हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ से कुछ इसमें कुछ दमदार टॉपिक स्टार्ट जो होगा कि थ्योरम है जो ये फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस दिया है ए पे। फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूस है। और आपको अब ध्यान हो कि कॉन्टीन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है। कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पे अगर कॉन्टीन्यूस है तो क्या होगा? जब जब एक्स और ए का गैप कम होगा, तब तब एफ एक्स और एफ ए का भी गैप कम होगा। ऐसा फंक्शन कॉन्टीन्यूस बोला जाता है उस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन में लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं, इफ़ एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल, देन एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक एप्सिलॉन भी ऐसा हो गया जिसमें ये कंडीशन उल्टी होगी, मीनिंग एक्स माइनस ए का मोड लेस देन तो डेल है, लेकिन एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड क्या हो गया? एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया या एक से ज़्यादा एप्सिलॉन मिल गए जिनके लिए एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया, या ग्रेटर देन या इक्वल बोल सकते हो, जो उसकी अपोजिट कंडीशन होगी, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करना चाह रहा हूँ कि एफ कॉन्टिन्यूस दिया है इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल सच दैट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल। ठीक है, ये ए माइनस डेल ए प्लस डेल ये ओपन इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये कैसे बने हैं वो अपने आप कंडीशन अपने आप आती जाएगी। देखो, इफ़ एंड ओनली बोला तो दो केस बनेंगे हमेशा, इफ बोलेगा तो एक ही होगा। अब क्या है कि इफ एंड ओनली इफ से जो पहले वाली कंडीशन है एक बार, तो वो हम मान के चल लेंगे, और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली जो केस है वो हम प्रूव कर देंगे एक बार उसका अपोजिट। अपोजिट मीन्स इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला एक बार मान के चल लेंगे और उससे पहले वाला हम प्रूव कर देंगे। तो ऐसे बनता है ये दो केस। ठीक है, तो केस वन में हमने क्या कर दिया? इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट मान लिया कि ये गिवन है। क्या गिवन है? कि फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है। प्रूव क्या करना है उसके बाद वाला? क्या कि टू प्रूव क्या करना है? फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, अब गिवन कंडीशन है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। एफ कॉन्टीन्यूस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल, ये तो होता ही है, एफ एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ठीक है, ऊपर वाले को उसने लिखा है दैट इज, मीनिंग ऊपर वाली जो लाइन है उसी का मीनिंग क्या लिख दिया कि मोड वाला तो सेम लिखा, जो एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल था उसको हमने ब्रेक कर दिया। कैसे? एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन माइनस डेल टू डेल, फिर उसी में फिर चेंज कर दिया, पहले वाले में कोई चेंज नहीं किया, पीछे वाले में क्या चेंज कर दिया? ए ऐड कर दिया, ए माइनस डेल, फिर बच जाएगा क्या? एक्स ए प्लस डेल, यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको? दैट इज, अब लिखता है कि एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, ये इसी से बनाया है। ठीक है, पहले तो वो मोड को ओपन किया, ये आया, फिर मोड को ओपन करके इसमें ए ऐड किया, ये आया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात वही है। अब इसमें क्या चेंज करना है? कुछ भी तो नहीं, एक्स की जगह एक्स वन रिप्लेस कर दो और ए की जगह क्या रिप्लेस कर दो? एक्स टू, इसी कंडीशन में। ठीक है, इसी कंडीशन में जो ये कंडीशन थी इसके अंदर ही एक्स की जगह एक्स वन ए की जगह एक्स टू रिप्लेस करेंगे तो ये केस बन जाएगा हमारा। कहोगे जी एक्स वन तो ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया है एक्स की जगह एक्स वन, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया क्योंकि एक्स वन तो यहाँ से आएगा। एक्स टू का मतलब खुद पता है कौन है? एक्चुअल में ए है, क्योंकि एक्स टू और ए इक्वल है। और आपको ध्यान हो कि ए माइनस डेल और ए प्लस डेल के बीच में तो ए आएगा ही, ए मतलब एक्स टू, तो ये तभी यहाँ लिख लेना एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू दिस, यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। अब इसका कन्वर्स सेकंड पार्ट देखो, अब आपके पास सेकंड पार्ट है,
है सेकंड पार्ट में, क्या मान के चलेंगे कि ये कंडीशन मान के चलेंगे, इफ एंड ऑलिफ के बाद वाली, इफ एंड ऑलिफ से पहले वाली प्रूव करेंगे, टारगेट हमारा एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना, कुछ भी नहीं, जो कंडीशन दे रखी थी उसी में एक्स वन की जगह एक्स और एक्स टू की जगह ए रिप्लेस कर दो, बस वो कंडीशन वही आ जाएगी जो हमें रिक्वायरमेंट थी जिस कंडीशन की। ठीक, आप देख सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करना है तो इसमें वही प्रूव किया लिखा है उसने, एक्स वन की जगह एक्स, एक्स टू की जगह ए, यहाँ रिप्लेस कर दिया इस कंडीशन के अंदर, तो ये रिप्लेस करेंगे तो ये कंडीशन अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगी सिंपली। ठीक है, ये यहाँ तक था, ये थी थ्योरम आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, पहले कोई डेफिनेशन यूज करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, फिर उस थ्योरम पे जाएंगे और कुछ प्रॉपर्टी हैं फंक्शन की, उनके हेल्प से हम इसको बना सकते हैं जो आगे भी हेल्प करेंगे हमारी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोई सीक्वेंस है जो आपने पीछे भी पढ़ी हो, आपने सीक्वेंस वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती हैं। एक्चुअल में वैसे बता दूं आपको सिंपली कि उस सीक्वेंस के आपके पास टर्म तो होती हैं जो आपके पास पता है कि इनफाइनाइट टर्म होती हैं भाई, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ठीक है, ये सीक्वेंस की टर्म है। अब क्या है कि उस सीक्वेंस के कुछ टर्म को आप छोड़ सकते हैं, स्टार्टिंग की 10 छोड़ दी, 20 छोड़ दी, 50, 100, फाइनाइट टर्म छोड़ दी, यहाँ जो छोड़ता है वो एम टर्म छोड़ता है। उसके बाद वाली टर्म के बारे में क्या होना चाहिए कि वो सारी टर्म आपको ऐसी दिखनी चाहिए कि इस किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रही हो, और वो एक रियल नंबर होता है जिसकी तरफ वो अप्रोच करती है। तो ऐसी सीक्वेंस होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। उस केस में क्या होता है, फाइनाइट टर्म छोड़ दी फिर भी नहीं जा रही वो किसी एक टर्म नंबर की तरफ, मतलब या यूँ हो सकता है कि वो या तो बढ़ती जा रही है या घटती ही जा रही है, कहीं जाके वो स्टॉप नहीं हो रही, मतलब कुछ ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जहाँ जाके वो क्या कर सकें, उसको अप्रोच कर सकें, वो होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मीन्स कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के बाकी किसी एक नंबर की तरफ भाग रही हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नीचे लिखा है वन बाय एन, वन बाय एन में आप मान लो आपने 100 टर्म छोड़ दी, 100 टर्म छोड़ दी तो कहाँ से कहाँ तक छोड़ दी, वन बाय वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री से 1/100 तक छोड़ दी। उसके बाद वाले के बारे में बात करूँ तो 1/101, 1/102 अप टू दिस, तो ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं सभी, आपको ध्यान हो ये जीरो की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब ये सीक्वेंस ऐसी क्या है, कन्वर्जेंट है। एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ डाइवर्जेंट का, एक्स एन जो सीक्वेंस 1/n ली थी, 1/n की जगह एन लो ले लिया, मान लिया 100 टर्म छोड़ दी, तो 100 टर्म कौन सी छोड़ दी, 1, 2, 3 से 100 तक, उसके बाद वाली 101, 102, ये नंबर सारे क्या हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं जाके स्टॉप ही नहीं होंगे, तो इसका मीनिंग ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं माइनस एन लूँ तो वो भी डाइवर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी, ऐसा के एक ओसिलेट भी होता है हालांकि। तो ये चीज़ें मतलब इतना नहीं, जो चीज़ एक बार स्टार्टिंग में जो ये करवा रही ना, ये इसको डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखा करो। अब मैं कह रहा हूँ कि कन्वर्जेंट सिक्वेंस क्या होगी, ऐसी सिक्वेंस जिसकी कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म एक नंबर को ही अप्रोच करें, जिसको हम डेफिनेशन मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ए सिक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेज टू ए रियल नंबर पी, एक्स एन सिक्वेंस है पी को कन्वर्ज कब करेगी, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम, कि कोई एप्सिलॉन ले, कोई भी एप्सिलॉन ले, अगर एक एप्सिलॉन भी गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये कन्वर्जेंट नहीं रहेगी, जिसके बारे में बात भी करेंगे। कोई एप्सिलॉन ले कि एक्स एन माइनस पी का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये वही है कि एम टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म जो ये मोड लिखे हैं ना, मोड लिखने का मीनिंग इनका डिस्टेंस, इनका गैप वेरी स्मॉल कि वेरी क्लोज हो जाएगा एक्स एन और पी, मीन्स एक्स एन मतलब उस सीक्वेंस की टर्म, पी मतलब वो रियल नंबर जिसको हमने प्रूव करना है कि इसको कन्वर्ज करेगी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये एक्स एन सीक्वेंस इस पी को क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, कब, जब हमने उस सीक्वेंस की कितनी टर्म को हमने छोड़ दिया, एम टर्म को, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम का मीनिंग एन वो लेना है एम या एम से बड़ा, ठीक है, वो कब, उससे क्या हो जाएगा कि एक्स एन और पी का गैप कम हो जाएगा, ये मोड लेस देन एप्सिलॉन का मीनिंग ये गैप कम, मिनिमम, ठीक है, वेरी क्लोज, ये था। अब जो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इसको लिमिट के फॉर्म में भी लिखते हैं, ये ऐसे के क्या एक्स एन की लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी इक्वल टू पी का मीनिंग एक्स एन सिक्वेंस कन्वर्जेस टू पी, एक्स एन सिक्वेंस कन्वर्जेस टू पी। अब ये लिमिट है तो लिमिट वाली प्रॉपर्टीज होल्ड भी करेंगी जो हम यूज़ करते हैं, इनको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं, ठीक है, ये सिंपली हम यूज़ करते हैं इनको। अब नेक्स्ट देखो आप क्या है, अब इसकी थ्योरम पे जाते हैं। थ्योरम में क्या था,
ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज नहीं दिया, इंटरवल सिंपल ओपन हो सकता है, एफ ओपन क्लोज कुछ भी हो सकता है। ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए इंटरवल आई इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए वेयर ए बिलोंग्स टू आई, इफ एंड ओनली इफ। फिर आ गया इसमें एक्स एन सिक्वेंस कन्वर्ज टू ए, दिस एम्प्लाइज सिक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। सिंपल मैं बता दूँ, ये हमने ये करना है कि एफ को कॉन्टिन्यूस लेके चलना है, प्रूव ये करना है कि अगर एक्स एन सिक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है तो एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए को करनी चाहिए। फिर उल्टा क्या मान के चलेंगे, एक्स एन सिक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है और एफ ऑफ एक्स एन सिक्वेंस एफ ऑफ ए को कर रही है तो एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। ये रिजल्ट यूज करेंगे आगे थ्योरम में भी, इसको ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखेंगे हम, इफ एंड ओनली इफ है क्योंकि ये है तो वो है तो ये है, मीन्स एफ कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा होगा कि एक्स एन सिक्वेंस अगर ए को कन्वर्ज करती है तो एफ ऑफ एक्स एन जरूर एफ ऑफ ए को करेगी, ठीक है। तो ये हम आगे वाले रिजल्ट में आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर कहीं अगर आपको ये दे रखा हो कि एफ कॉन्टिन्यूस एट ए तो हम इस डेफिनेशन की हेल्प से भी चलेंगे क्या कि एक्स एन सिक्वेंस ए को कन्वर्ज करेगी, ये हम मान के चलेंगे, हम फिर ये प्रूव कर देंगे कि एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो एक्स एन ए को करेगी तो एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए को कब करती है, जब एफ कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, अब इसको प्रूव कर रहे हैं हम। तो प्रूफ इसका नीचे है, देखो इसको दो केस हैं, फिर वही बात। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, मान लिया एफ कॉन्टिन्यूस है और मान लेंगे कि एक्स एन ए को कन्वर्ज कर रही है, प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए को करेगी। अब मैं बता भी दूँ एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए को कब करेगी, जब एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए का गैप इज वेरी स्मॉल फॉर फाइनाइट टर्म को छोड़ने के बाद, जो नीचे लिखा हुआ है ये टारगेट हमारा। पीछे जो रिजल्ट अपने आप सिंपली हो जाएंगे, देखो आप एफ कॉन्टिन्यूस है बाय डेफिनेशन, इतना लिख दिया उसने यहाँ ये इक्वेशन वन। अब एक्स एन ए को कन्वर्ज कर रही है तो इसने ये लिख दिया यहाँ, यहाँ तक देखो। अब वन और टू इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि यहाँ उसने थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि ये बना दिया एप्सिलॉन की जगह डेल्टा, रिप्लेस वन और टू को चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, एक्स की जगह एक तरह से एक्स एन रिप्लेस हो गया बस, वहाँ वन और टू को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओफ एक्स एन माइनस एफ ओफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इससे क्या हो जाएगी, एफ ओफ एक्स एन सिक्वेंस एफ ओफ ए को कन्वर्स कर जाएगी। अब इसका कन्वर्स सेकेंड केस और, एक्स एन सिक्वेंस ए को कन्वर्ट कर रही है और मान रखे हैं कि एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए को भी करेगी, प्रूव करना है कि एफ कॉन्टिन्यूस, ठीक। देखो एक्स एन सिक्वेंस ए को कन्वर्ट करके उनकी डेफिनेशन लगा रखी है सिंपली, अगर एक्स एन ए को कन्वर्ट करती है तो ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए को करती है तो ये होगा, प्रूव करना है कि एफ कॉन्टिन्यूस है। गलत मान लिया कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब देखो कॉन्टिन्यूस नहीं है का मीनिंग क्या है, एक एप्सिलॉन मिलेगा ना, कि फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए तो क्या होगा कि एप्सिलॉन एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि वो गैप उल्टा होगा। क्या गैप उल्टा होगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो चीज़ ये है, ध्यान हो। अभी मैं बात कर रहा था डेफिनेशन जब बता रहा था कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है तो एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि फॉर ईच डेल्टा, कि एक्स और ए का गैप तो कम है लेकिन एफ एक्स और एफ ए का उल्टा हो गया, ये कंडीशन आ गई। अब इससे हमने x की जगह एक्स एन रिप्लेस कर दिया इसके अंदर तो ये आ गई, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, सुनना ध्यान से, कि एक्स एन तो a को कन्वर्ज कर रही है, ये जो नीचे लिख रहा है ये इंप्लाई किसको कर रहा है, एक्स एन कन्वर्जेस टू a, और ये किसको इंप्लाई कर रहा है, f ऑफ एक्स एन नॉट कन्वर्जेस टू f ऑफ a, ठीक है ना। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्स एन a को कन्वर्ज कर रही है तो f ऑफ एक्स एन f ऑफ a को करेगी। ये कंट्राडिक्शन कब आई, जब हमने कहा कि एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या होगा, फिर एफ कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट आप इजीली कर सकते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट ये है एफ कॉन्टिन्यूस है तो मोड एफ कॉन्टिन्यूस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी सिंपली आप कर सकते हैं, ना ये तो मेरे से पूछ लेना इसके बारे में। तो ये यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक आपने करना है। एक सेकेंड, एक लास्ट और बच गया, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन जो फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ तक आपने आज का टॉपिक कंप्लीट करना है, जो डाउट आप अपने कंप्लीट कर लिया करो बाय व्हाट्सएप या वीडियो कॉल या बाय कॉल जो मर्जी, लेकिन पढ़ा जरूर करो भाई।